हमारे देश में एक्सपेरिमेंट चैनल की इतनी डिमांड है जितनी की रेगिस्तान में नदी की नहीं है, तालाब की भी नहीं है, अबे दो बूंद पानी की भी नहीं है। क्या एक्सपेरिमेंट है, ये लोग गाड़ियों से खिलवाड़ करते हैं, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। और टाइटल में लिख रखा है होम मेड डस्ट क्लीनिंग मशीन। अबे झाड़ू है, बोल दो घूमने का क्या मतलब है, झाड़ू से मिनी हेलीकॉप्टर बनाने वाला है क्या? ये वो बंदा जो साबुत प्रोडक्ट की माँ बहने करके उसका ऑटोमेटिक गैजेट बनाता है डोरेमोन के जैसे। बात अलग है, डोरेमोन का मोस्ट गैजेट था, इसका वोस्ट गैजेट है। वाह यार, इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, शुरू करते हैं। इन्वेंशन अच्छी है लेकिन आपके लिए, जिसके पास काम धंधा है ना वो 50 घंटे तक ऐसा स्क्रबर बनाकर 10 घंटे तक बर्तन नहीं धोएगा, और हर कोई बेरोजगार होता भी नहीं है आपके और मेरे जैसे। इसका नाम है भाविक एक्सपेरिमेंट ऑफिशियल। तो वो बंदा है जो एक इन्वेंशन में तीन तीन रिले बनाता है। वो बंदा है जो साबित करना चाहता है कि नेक्स्ट महान वैज्ञानिक यही होने वाले हैं। वो बंदा है जो साबित कर चुका है कि 100% उल्टी खोपड़ी का है। बंदा पानी से परेशान ना हो, लेकिन ये जो बार बार आंखों के सामने हिल रहा है ना, इससे जरूर परेशान हो जाएगा। और भाई ये इन्वेंशन किसके लिए कर रहा है, खुद हेलमेट नहीं लगाता। नहीं ये क्या सिस्टम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेड मसाज मशीन, अबे मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये मसाज कैसे हो रहा है, और ये मसाज है कि मैसेज है, क्या स्पेलिंग वगैरह की भी कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है कभी कभार, पता है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वाह, तैयार है अपना चंद्रयान 4। अब ये भाई साहब सूर्ययान 1 की तैयारी करेंगे, और पता है उस रॉकेट में बैठ के जाएगा कौन, खुद भाविक भाई। वाह बढ़िया है बढ़िया है। जिन लोगों को लगता है कि बारिश सिर्फ सीधी डायरेक्शन में होती है वो लाइक करे। भाई तुम इतना ज्ञान लाते कहाँ से हो बे, नहीं खुद से आता है या कोई और देता है। बारिश से बचने के लिए हम लोग छतरी लगाते हैं, और छतरी लगती है तो हमें तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। क्या है भाई ये कुछ सेंस भी नहीं बन रहा, क्या बोलूं मैं। काम कर तू, जहन दे यार, दिन भर चार्ज में लगा कर रखूंगा ये कहकर कि मैं जब कचरा डालू तो ऑटोमेटिक अपना ढक्कन खोल लेगा। इससे बढ़िया मैं बाल्टी रख लूं बिना ढक्कन वाली। और ये क्या सिस्टम है, दीवार में कौन डस्टबिन रखता है चिपका करके, वो साला खुद कचरा लग रहा है उसको कहाँ फेंकेगा। अबे भाई उससे बढ़िया कि तू खुद ही खोल ले, साले इतना ताम झाम नहीं करूंगा यार मैं। इसका साला हर गैजेट इसकी तरह ही है स्लो। भाई जितना स्लो उतना इन्वेंशन किया गया गैजेट चलता है ना, उतना स्लो बंटी का साबुन भी नहीं है। अरे ऑटोमेटिक मशीनों की तुम गैंड मान लो यार, हर चीज तुम ही बनाओगे तो कंपनी तो रोड पे आ जाएगी। और भैया ये क्या चीज है, होममेड ऑटोमेटिक नमस्ते मशीन, इसको अपने घर के दरवाजे में रखेगा क्या। इसमें नया क्या है, ये तो पहले ही बन चुकी है। और तू ही चला भाई ये पेट्रोल वाली साइकिल, हम पे तो सिंपल वाली ही है, हम तो इसी पे खुश है भाई। अरे भाई वो वॉशिंग मशीन नहीं, पानी में निर्मा घोलने वाला मोटर प्रोजेक्ट है। इससे भाई साहब चीजें मिक्स होती हैं। भाई चीजों का सही तरह से यूज करोगे ना तो बढ़िया काम पे आएगा वो। अब तुम झाड़ भर के बाल्टी में इतना बड़ा मोटर प्रोजेक्ट डालोगे तो फिर वो वॉशिंग मशीन थोड़ी कहलाएगा, फिर कपड़ा कहाँ डालोगे अपनी में। ये क्या है अब, होममेड प्रोजेक्ट मेड फॉर ब्लाइंड पर्सन। भाई इस डंडे को ना अंधे भाई साहब को जाकर तुम ही देना, वो बंदा चिड़कर उल्टा डंडा तुम्हारी गेंद में ही दे देगा। भाई सच में तू उल्टी खोपड़ी का ही है क्या, नहीं डस्टबिन को कचरा स्कैन करा के उसमें डालना ये कौन सा सेंस बनता है। कचरा उठाओ ढक्कन खोलो और खुद ही डाल लो, और ज्यादा दिक्कत है तो ढक्कन ही मत रखो, इसको स्कैन करा करके डालना ये कौन सा। बहुत सड़ी वाले इतना स्लो है कि ठुक भी जाए ना तो कोई गम नहीं है, और जितना स्लो इसका गैजेट है ना उतना टर्टल भी नहीं चलता। इतना
इतना बड़ा फैन जेब में लेके चलने से अच्छा है कि मैं अपने मोबाइल से मुनावर फारूकी के रैप सॉन्ग बजा दूं, उसके स्पीकर के लाउड इतने ज्यादा होंगे कि हवा आ जाएंगे मेरे को इससे ज्यादा। दुनिया उसी के पीछे दौड़ा करती है जो अपने खातिर मेहनत के पीछे पड़ जाता है। भाई नो डाउट तुम बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे कर लेते ना इसको खोलने के लिए, तो फिर तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होता। और भाई मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक घंटे तक इसका सिस्टम सेट करूं और दो घंटे तक इसको खोलने के लिए छोड़ दूं। ये बंदा इन फ्यूचर इतना महान वैज्ञानिक बनेगा, इतना महान वैज्ञानिक बनेगा कि ये खुद की अपनी कार लॉन्च करेगा, चोदू कार। बस यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, किसी भी को हेट वगैरह देने की कोई भी जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ ये अपना देख लेना ठीक है, मन करे तभी करना, वैसे भी इन सब प्लेटफॉर्म में ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। जय हिंद।